राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा जसवंतपुरा के चुनाव में जयंती लाल सेन बने मंत्री। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा जसवंतपुरा का महाधिवेशन वार्षिक चुनाव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चुनाव अधिकारी नारायण लाल पुनक, जिला पर्यवेक्षक जालाराम खींचड़, राजू राम बिश्नोई की उपस्थिति में हुआ संपन्न। इस मौके पर प्रदेश मुख्य महामंत्री पूनम चंद बिश्नोई के नेतृत्व और सभाध्यक्ष ज्ञान चंद पारक की अध्यक्षता में हुआ आयोजित। जिला पर्यवेक्षक राजू राम सारण जालाराम ने सशक्त कार्यकारिणी के गठन का आह्वान करते हुए संगठन की रीति नीति और संगठन की आवश्यकता पर दिया बल। इस मौके पर प्रदेश पदाधिकारी डूंगर सिंह, शैतान सिंह सिरधरा, बाबूलाल खियाराम, पूनिया कालाराम ने युवा शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं के निस्तारण के लिए एकजुटता के साथ रणनीतिक पूर्वक संघर्ष की बात उपशाखा मंत्री हिंगलाज सिंह सारण ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष जयंतीलाल सेन ने वर्ष भर के आय व्यय का लेखा जोखा किया प्रस्तुत। अधिवेशन उपरांत नवीन कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर जसाराम सभाध्यक्ष, करणाराम उप सभा अध्यक्ष प्रकाश सियाग, मंत्री पद पर जयंतीलाल सेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पप्पूराम विश्नोई, उपाध्यक्ष भवरदान चारण, मूलाराम, कोषाध्यक्ष गणपत सिंह, प्रतिनिधि तृतीय श्रेणी माध्यमिक शिक्षा राम रूप गुर्जर, प्रतिनिधि तृतीय श्रेणी प्राथमिक शिक्षा ओम प्रकाश रंजीत कुमार, निजी शिक्षा प्रतिनिधि कृष्ण कुमार दर्जी, शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि जगदीश नोकिया, माध्यमिक शिक्षा प्रतिनिधि शिवदान राम, संस्कृत शिक्षा प्रतिनिधि कंचन लाल, प्रबोधक प्रतिनिधि चित्रमल पैरा, टीचर प्रतिनिधि तेजाराम, पंचायत सहायक प्रतिनिधि तिलोक राज को मनोनीत किया गया। मैं संगठन में भारित पद की गरिमा अनुरूप कार्य करूंगा। मैं सदैव संगठन के हित एवं तथा सदैव संगठन के विकास के अनुरूप समर्पण भाव से कार्य करने हेतु तथा से निर्णय करने में लोकतांत्रिक ढंग से भागीदारी निभाऊंगा। जय हिंद, जय संगठन। अपने आप नगर कर दे। खबर भारतवर्ष के लिए जसवंतपुरा जालो राजस्थान से विक्रम सेन की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।